हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, मैंने एक पोल करवाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा वीडियो आप अगला देखना चाहते हो, और उसमें 58% से ज़्यादा लोगों ने कहा है हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी पावर, यानी कि हम अपनी मेमोरी पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ ये इशू होता है। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं, कई सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और कई बच्चे पूछते हैं कि कैसे हम ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रख सकें। क्योंकि आप भी अभी इस समय किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जो जनरल स्टडीज़ होता है ना, ये बहुत वास्ट सिलेबस वाला होता है। इसका जो सिलेबस होता है वो समंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हालांकि ये सारे ही सब्जेक्ट हमने स्कूल टाइम में पढ़े होते हैं, लेकिन हमें वास्तविकता में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हमें फिर से नए सिरे से इन चीज़ों को पढ़ना होता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को आप छोड़ भी नहीं सकते हो। इन सब्जेक्ट्स का हर एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। बहुत वास्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स से बनते हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इनको हम कम समय में, मतलब कि जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ताकि हमारा कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, एक तरीका बताने वाला हूँ। उस टेक्निक को अगर आप अभी से, आज से ही अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में एक अच्छा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखोगे, और आप खुद ही ये पाओगे कि जो आपने पिछले एक साल में नहीं सीखा है, वो आने वाले 2 से 3 महीनों में आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन कैसे करता है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें कुछ भी लर्न करना है, कुछ भी याद करना है, तो हमें ब्रेन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने माइंड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये काम करता कैसे है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, मतलब किसी भी चीज़ की आप फर्स्ट रीडिंग करते हो, यानी कि पहली बार पढ़ते हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, या कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, या कोई क्विज सॉल्व कर रहे हो, तो जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी ना, मतलब पहली बार जो आप पढ़ोगे, तो आपका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत हाई होता है। जब उसी चीज़ को आप दूसरी बार पढ़ोगे, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो उतना नहीं हो पाता। मतलब कि जैसे जैसे आप रिपीटिशन करते हो, उसी चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल गिरता चला जाता है। और फ्रेंड्स, मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये 20 साल की रिसर्च कह रही है। ये कई लोगों के ऊपर जब रिसर्च किया गया इस तरीके से, तब ये पता चला है कि फर्स्ट टाइम जो रीडिंग होती है, या फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ समझते हैं या देखते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो अटेंशन है, अटेंशन सबसे अच्छा होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज़ कर रहे होते हो, तो आपके ब्रेन को ये पता होता है कि कुछ नया फीड हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड टाइम उस चीज़ पे जाते हो, तो ऑलरेडी आपका माइंड ये इंडिकेट कर देता है कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। आप चाह कर भी उस लेवल का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ डेवलप नहीं कर सकते। तो ये जो रिसर्च और जो फाइंडिंग्स हमें मिली है, इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे रिपीट करने से बचना चाहिए। समझ पा रहे हो? किसी भी हालत में आपको रिपीट नहीं करना। कुछ भी आप पढ़ते हो, कुछ भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को रिपीट ना करें। तो अगर आप रिपीट ना करें, तो याद कैसे करें? एक बार में तो पढ़ने से याद हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए, एक ही बार पढ़ के उसको हम परमानेंट मेमोरी के अंदर ले जाएं। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ सिर्फ केवल पढ़ाई लिखाई की नहीं है, मतलब आप कुछ भी देखते हो, आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा है, वो भी एक प्रकार की लर्निंग ही होती है। आप जो मूवी देखते हो, वो भी आपकी लर्निंग ही होती है। आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप कोई पहली बार में कोई मूवी देखते हो या कोई वेब सीरीज देखते हो, तो फर्स्ट टाइम आपको वो ज़्यादा अटेंशन होता है, वो ज़्यादा ग्रास्प करते हो। सेकेंड टाइम जब जैसे ही आप उस मूवी को देखोगे या उस वेब सीरीज को देखोगे, तो आप अनजाने में ही कई सारे सीन्स को, कई सारे डायलॉग्स को स्किप कर दोगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके ब्रेन को ये ऑलरेडी पता है कि आप ये चीज़ देख चुके हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको अब तक ये समझ में आ चुका होगा कि बार बार पढ़ने से आपको कोई चीज़ याद नहीं होने वाली है। बार बार पढ़ना समाधान नहीं है, इसका सॉल्यूशन कुछ और है। जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, उसका नाम है रिकॉलिंग टेक्निक। अब कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने में आपको याद नहीं हो रही है, तो आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो आपको रिपीट नहीं करना, उसको आपको रिकॉल करना है। किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़ते हो, और एक बार पढ़ने के बाद उसको ट्राई करते हो रिकॉल करने के लिए अपने माइंड में, अपने ब्रेन के अंदर, तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका जो ब्रेन है वो फंक्शन करना स्टार्ट हो जाता है, और ऑटोमेटिकली उस चीज़, उस पढ़ी हुई चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक इमेज आपके माइंड में बनना शुरू हो जाती है। और वो इमेज जितनी ज़्यादा क्लियर आपके माइंड में बन रही है, मतलब जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो इमेज आपके माइंड में बनेगी, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि कोई भी चीज़ आप अगर आप पढ़ते हो, तो उसको रिपीट करने के बजाय आप रिकॉल करने की कोशिश किया करो। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मैथ्स के फॉर्मूलेज याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैथ्स के उन फॉर्मूलेज को आप एक बार पढ़ने के बाद में
उसको ना देखते हुए उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करो और ट्राई करो उसको अपने मन से लिखने के लिए आपने क्या पहली बार में पढ़ा है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप इतनी आसानी से कोई चीज़ रिकॉल ना कर पाओ, बट दोस्तों मेरा विश्वास करो, जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर करोगे वैसे वैसे आपकी ब्रेन की मसल्स भी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक वैसे जैसे आपकी बॉडी की मसल्स होती है वैसे ही आपकी ब्रेन की भी मसल्स होती है, और ब्रेन आपका तभी स्ट्रांग बनेगा जब आप खुद इसको काम करने के लिए अलाव करोगे। जब आप रिपीट करते हो ना कहीं अपने आप को आप रोक देते हो ब्रेन को कि वो फंक्शन ना करे, वो खुद से रिकॉल ना करे। पहली बार में कोई चीज़ पढ़ी है और ध्यान से पढ़ी है तो डेफिनेटली आपके ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं वो टेम्पररी मेमोरी में रखा हुआ है, बट उसको रिकॉल करने में आपको मेहनत लगती है। मेहनत ना करने की वजह से ना मेहनत को बचाने के कारण आप क्या करते हो, आप उसको रिपीट करने की कोशिश करते हो, वापस से देखने की कोशिश करते हो, और ऐसा करने से हम ब्रेन को अलाउ ही नहीं करते कि वो खुद से उस मेमोरी को बाहर निकाले। क्योंकि दोस्तों बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं से बैठ जाती है कि ब्रेन और बॉडी जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा घिसेगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये कई सालों की रिसर्च के बाद ये पता चला है और ये फैक्ट भी है कि आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी को आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हो वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। तो हमेशा यही ट्राई किया करो कि एक बार कोई भी चीज़ पढ़ ली तो उसको पढ़ने के बाद बिना देखे खुद से रिकॉल करने की कोशिश किया करो। हो सकता है दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगे, हो सकता है आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी आए, बट मेरा बिलीव करो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा समय तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ज़्यादा ब्रेन स्ट्रांग होता चला जाएगा। और रिकॉलिंग का जो टाइम पीरियड है आपका, जितना समय आप रिकॉल कर रहे हो वो टाइम पीरियड कम होता चला जाएगा। मतलब कि कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है तो तुरंत आपका माइंड रिकॉल कर लेगा एक समय के बाद। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो एक बार उसको पढ़ो और फिर घूमते फिरते कोई दूसरा काम करते करते आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो और उसके रिलेटेड एक कुछ इमेजेस अपने माइंड में बनाने की कोशिश करो, और इसी काम को आप रेगुलर इंटरवल्स पे करो तो कोई भी नॉलेज आपके माइंड में परमानेंट हो जाएगी। क्योंकि तो फ्रेंड्स हम पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाएं और एग्जाम के दिन हमें कुछ भी याद ना आए तो उससे अच्छा है कि हम 10% सिलेबस ही कंप्लीट करें, लेकिन वो 10% सिलेबस ऐसा हो कि उस सिलेबस में से कुछ भी आ जाए एग्जाम में तो हम छोड़ के ना आए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज से ही आप ये टेक्निक स्टार्ट करोगे, टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट करोगे और रिकॉल करोगे, रिपीट नहीं करोगे। और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसका इम्प्रूवमेंट होता है, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बता देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी मैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा तो तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।